हेलो उमंग, जी कौन? हाँ, उमंग बात कर रहे हैं। उमंग बात करता हूँ। आप कौन? दिव्या। मैं दिव्या। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। मे बी आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन आप शादी में आए थे ना? मैं आपकी शादी में आया था? नहीं, मेरी शादी में नहीं, मतलब आप शादी में आए थे ना, वो शर्मा जी के उधर। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शर्मा है, उनमें बहुत सारे दोस्तों की शादी में जाता हूँ। अब कौन से शर्मा की आप बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे, जिनकी बेटी रीनू की शादी में थी, आप आए नहीं थे लास्ट वीक? हाँ, तो व्हाट? हाँ, तो मैंने वहीं से आपका नंबर लिया था, आपके फ्रेंड से। वो कौन से फ्रेंड है? था ना जो आपके साथ एक ब्लैक कोट में था, जैसे, तो मैंने उन्हीं से बात करके आपका नंबर लिया था। और नंबर क्यों लिया था? तो नंबर क्यों लेते हैं? एक लड़की एक लड़के का नंबर क्यों लेती है? आई डोंट नो। तो बात करने के लिए ही लेते हैं। बात तो आप शादी में भी कर सकते थे। जैसे शादी में मैं डायरेक्टली बात कैसे सकती आपसे? एक्चुअली आपने अभी डायरेक्टली कॉल कर दिया। मुझे लगा शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा मेरे लिए भी और वो तो आपके अभी भी लिए हो रहा भी। है मेरे लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने स्टार्ट किया है ना बात करनी, क्योंकि मुझे बात करनी थी ना आपसे। यार, अच्छा, तो बताइए क्या बात करनी थी आपको। क्या बात करनी थी? मतलब एक एक लड़की सामने से फोन कर रही है, तो क्या बात करनी थी? आप तो कैसे इसमें बात कौन सी बड़ी बात हो गई, एक लड़की सामने से कॉल कर रही है तो? नहीं, मुझे बात करनी थी, मुझे वही आपके तो मैं पूछ रहा हूँ साथ, ना, क्या अरे, बात करनी थी। मुझे फ्रेंडशिप करनी थी आपसे। आपसे मेरे को आपको देखकर अच्छा लग रहा था। अच्छा, फ्रेंडशिप करनी थी। और कितनों से शादी में आपको फ्रेंडशिप करनी थी, कितनों का नंबर आपने लिया था? मतलब व्हाट डू यू मीन, कितनों का नंबर लिया था? मैं क्या शादी में यही करने गई थी? तो ऑब्वियसली आपने मेरा नंबर लिया तो कोई और भी तो पसंद आया होगा। नहीं, कोई और और हर पसंद एक नहीं आया शादी में था। जाके हर एक लड़के का नंबर लेके आते हो क्या? नहीं, हर एक लड़के का तो नहीं, बस। हाँ, ठीक है, आप अच्छे लग रहे थे, पर व्हाट डू यू मीन हर एक लड़के का नंबर? हर एक लड़के का नंबर लेके क्या करूंगी? फर्स्ट टाइम मैंने इतनी हिम्मत करके मैंने आपका नंबर मांगा आपके दोस्त से, और आपको सामने से कॉल कर रही हूँ और आप ऐसे बोल रहे हो। नहीं तो कॉल कर रहे हो आप, एहसान थोड़ी कर रहे हो मेरे ऊपर। बताइए यार, मतलब इतना रूडली क्यों हो यार? मतलब क्यों? तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक लड़की तुम्हें सामने से फोन कर रही है। खुशी की क्या बात है? यार, क्या? खुशी की बात है, लड़के खुश हो जाते हैं कि मतलब सामने से उन्हें लड़की फोन कर रही है, एक लड़की ने हाँ, तो इसमें एफर्ट क्या बड़ी बात किया हो है। गई, यार, और इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मेरी कौन सी लॉटरी लग गई? क्या पता लग जाए। ये ना आप लड़कियों की गलत फहमी है कि सारे लड़के ऐसे होते हैं कि ओहो लड़की का कॉल आया है, खुश हो जाते हैं, लड्डू फूटते हैं उनमें। ऐसा सारे लड़के नहीं होते हैं, कुछ लड़के तो मेरी तरह भी होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ओ, देख लो, क्या पता मेरे को यही क्वालिटी आपकी अच्छी लगी हो, इसीलिए मैंने आपका नंबर लिया। हो सकता है। क्योंकि मैं आपको शादी में नोटिस कर रही थी, आपने तो मुझे एक भी बार देखा भी नहीं, तो मैं आपसे बात कैसे करती अगर? वो क्या है ना, मेरा फालतू चीजों में ना ध्यान थोड़ा कम जाता है। ओ, तो मतलब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं, मैं आपके इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया। हाँ, तो मैंने नाम बताया ना, नाम लेके बात करो। इंटरेस्टिंग हो, क्या? इंटरेस्टिंग हो। वो तो हूँ मैं, वो तो मुझे पता है, आप भी अच्छा, इंटरेस्टिंग हो ना, वैसे मेरे इसीलिए दोस्त से इसलिए आपने नंबर मांगा, उसने तुरंत नंबर दे दिया। हाँ, क्योंकि कुछ उसको पूछा मेरे में तो होगा। इंटरेस्ट लग रहा था इसलिए, बट उसका भी दिल टूट गया कि मैंने आपका नंबर मांगा उससे। जहाँ तक मुझे याद है मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है। वो जो आप कह रहे हो वो ब्लैक कलर की क्या? ब्लैक कलर का कोट पहना था उसने। वो मेरा अब कोई अगर ऐसा उसने दोस्त नहीं मुझे है। नहीं, मेरा आपका कोई नंबर ऐसा दिया है दोस्त था तो ही नहीं। ओके, नंबर तो उसी ने दिया है ना मुझे। अब जब वो मेरा दोस्त ही नहीं है तो उसका मेरा नंबर कहाँ से आया? मुझे क्या पता। अब आपकी ये देखो, आप सर्च करो कि आपने अपना नंबर कहाँ कहाँ बांट रखा है। जल्दी बताओ ना, नंबर कहाँ से मिला? अरे, उसी से मिला है, सच्ची बोल रही हूँ, उसी ने दिया है ना। अब अच्छा, मैं क्या वहां पर ये शादी शादी में की आप क्या? बात कर रहे हो ना, उसमें अकेला आया था मैं। यार, अकेला आया था मैं, नहीं तो क्या? मतलब मैंने क्या वहां पर शादी में डीजे वाले के पास जाकर क्या मैंने अनाउंसमेंट करवाई थी कि जिसके पास उमंग का नंबर हो प्लीज मुझसे बात करें?
क्या वादा करवाई हो? क्यों, शादी में आप नहीं थे? तुमने क्या अपने मैं अनाउंस जाने की किया? बात करवाई हो? क्या कह रहे हैं? मैं जाने की बात करवाई होगी? हाँ बिल्कुल, मैं हाँ ये देख मैं शादी में आप शादी एंजॉय करने आते हो, खाना खाने आते हो, या फिर मतलब ये सब खाना करने खाने आते के, हो? मतलब आप शादी में खाना खाने जाते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे बोला ना, तो मुझे लगा आप शादी में खाना खाने जाते हो। बहुत बहुत सारे लोग होते हैं वैसे ऐसे जो तो शादी में सिर्फ खाना खाने ही जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सोच के आते हैं कैसे कि आज तो एक लड़के का एक लड़की का नंबर लेके आऊंगा, है ना? यार अब तुम ज्यादा नहीं मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, पेंसिल पर नहीं कर रहा ऐसा हूँ, मैं नहीं तो है यार, सिर्फ बात कह रहा सीरियसली हूँ। यार, मतलब ठीक है ना, आप मुझे अच्छे लगे, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी नहीं, थी अच्छा इसलिए तो मैं हूँ मैंने। इसलिए अच्छा लगा। हाँ अच्छा, अब अपनी तारीफ है तो अच्छा लगा, अच्छा हूँ। तो ऑब्वियसली हाँ तो ठीक है ना, आप भी तो तो मुझे अच्छे मैं लगने चाहिए ना। हाँ मैंने तो मैं तो हूँ देखा ही भी अच्छी, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं मैं कॉल पे एक्चुअली में बात किससे कर रहा हूँ। बात तो मुझसे ही कर रहे हो, लड़की से ही कर रहे हो। यार बचपन से ऐसे हो कि या अभी नंबर मिलने के बाद ऐसे हुए हो? यार बचपन से तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा मम्मी पापा से, लेकिन नंबर मिला है तो जब से तो मे भी कह सकते हैं हो गई। ओके ओके ओके, मुझे हाँ लग रहा है ना कुछ थोड़ा डॉक्टर क्या लग डॉक्टर के रहा पास है? जाना चाहिए आपको। डॉक्टर के पास? नहीं, डॉक्टर की नीड नहीं थी ना, इसलिए तो आपका नंबर ले लिया मैंने, मुझे पता चल गया ना कि कौन सही कर सकता है मुझे। नहीं, मैं सही नहीं कर सकता। अब आपको कैसे पता आप मुझे सही नहीं कर सकते? आपने तो मुझे एनीवे देखा भी नहीं है। वो है कौन? आपकी फ्रेंड है जिसकी आप शादी में आए हो? किसकी साइड से आए थे? अच्छा, हम तो लड़की वालों की साइड से आए थे ना, तो आप भी तो लड़की वालों की साइड से ही आए थे। देखा, देख रहे हो मैंने कितना कितना पता कर लिया आपके बारे में। ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि नंबर में दोस्त ने दिया? साफ क्यों नहीं करेगा कि नंबर आपने दुल्हन से मांगा है? क्योंकि तो उसी के पास मेरा नंबर था शादी में, और किसी के पास नहीं था। तो चलो ठीक है, मांग नहीं लिया दुल्हन नहीं से ना। चलो ठीक है, क्या सच बताओ ना। यार सच्ची बताऊँ, मतलब एक बार भी ना अभी तक तुमने ऐसा मतलब मुझे फील नहीं करवाया कि हाँ, कि मतलब तुम खुश हो मुझसे बात करके, कि तुम्हें सामने से किसी लड़की ने फोन किया है। ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मतलब मैंने गलती कर दी है तुम्हें फोन करके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ इतना इंटरेस्टिंग या कोई महान काम नहीं किया जो मैं आपको अच्छा फील कराऊं, और मैं आपको इधर अच्छा फील कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। या मैंने नहीं कहा था आप मुझे कॉल महान करो फिर मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा? वैसे महान काम कौन से होते हैं? कौन से नहीं होते हैं महान नहीं काम, मुझे बताओ। लेकिन ये तो महान काम नहीं है ना कि मैंने आपसे कही थी कि आप मेरा नंबर लो फिर मुझे कॉल करना फिर मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा, मैं तो नहीं कहा यार था। देखो सही बोल रहे हो, वैसे अभी आपने मुझे बोला ना कि डॉक्टर को दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाने से अच्छा मैं उमंग से ही बात कर लेती, अच्छा, मुझे ऐसा लग फ्लैट रहा कर रहे था हो? ना। फ्लैट ट्राई कर रही हूँ, हो रहा है क्या? बट करना नहीं आता आपको? पट रहे हो क्या? बहुत ही गंदा कराया था सच में। यार फर्स्ट टाइम है ना, वो भी खुद से। क्या बताओ, नहीं फ्लैट फ्लैट इंसान खुद से ही करता है, 50 लोगों से एडवाइस थोड़ी लेता है। तो फर्स्ट टाइम है ना, मुझे क्या पता, हम क्या पता, आप तो ट्रेंड हो, पता नहीं कितनी लड़कियों से आपने फ्लर्ट किया होगा, तभी क्या बात है, मैं बता दूं, तो आप। मेरी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं आई है, और ना ही मेरे को बनाने का कोई शौक है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्यों इतनी बुरी हूँ क्या मैं? अभी तो आपको मेरे में इंटरेस्ट आ रहा था। मैं तो शक्ल भी नहीं देखी आपकी, तो मुझे कैसे बताओ बुरे हो अच्छे हो? और बातों से मतलब मुझे थोड़े से अजीब लगते हो, अजीब, और मतलब थोड़े क्या से झूठे अजीब, भी हो। क्या नंबर आपने दुल्हन से झूठे? मांगा है बता रही हो, मेरे दोस्त से मांगा है। यार झूठे वाली क्या बात है यार, वो मेरा मतलब दोस्त नंबर नहीं था, लेना था हायल मुझे, हुई तो थी उससे, जस्ट मेरी हायल हुई थी, मैं उसको जानता भी मुझे नहीं पता हूँ। है यार आप उससे अच्छा, बात तो कर रहे थे, आपने तो मुझे आपने लगा अच्छा दोस्त होगा ना। और आपने एकदम अंधेरे में तीर मार दिया कि हाँ मैंने नंबर इसी से लिया है। तो आप क्यों नहीं कहते दुल्हन से नंबर लिया जाके? तो यार क्या हो गया, मतलब मुझे लगा कि अब नॉर्मली लड़के यही कहते हैं कि हाँ दोस्त ने नंबर दिया होगा, तो मैंने सोचा कि वो मैं भी ऐसे ही ऐसी बोल है, रही हूँ। अभी अभी अगर मैं उससे आपका नंबर मांगता तो मुंह फुला लेती, नहीं यार वो मेरी फ्रेंड है, हाँ तो वो बात मेरी मानो, मैं आपका फ्रेंड है तो नंबर नहीं दे मुझे देगी सकती। ना। हाँ तो और मैंने मेरी भी फ्रेंड है वो, बट मुझे तो किसी को नंबर नहीं देती, पहली बात मैं मांगता भी नहीं हूँ। उसको, आप पे ट्रस्ट नहीं होगा ना इसलिए। मेरे पे तो ट्रस्ट मुझे कुछ को नहीं है। आपने कुछ ऐसा किया होगा ना कि ट्रस्ट इश्यूज हो गए होंगे उसको, मैं भी और वैसे भी वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मुझे तो दे ही देगी नंबर। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करना चाहूंगा।
कोई बात नहीं, फ्री नहीं हो तो फिर भी कर लेते हैं थोड़ी देर बाद यार। मतलब यार थोड़ा सा तो एफर्ट दिखाओ यार, मैं सामने से कॉल कर रही हूँ। यार आप तो बार बार ऐसे बोल रहे हो, मैं सामने से कॉल करी हूँ, मैं सामने कॉल करी हूँ, जैसे ही बड़ी भारी कोई बात हो गई, लड़के सामने से कॉल कर दी, तो क्या मतलब है? ठीक है आपने कॉल कर दिया, ठीक है बात कर ली, बस मैं सामने से कॉल करी, आप कुछ कहते अच्छा ही ना, क्या अच्छा हो रहे हो? अच्छा नंबर तो सेव कर लो मेरा, किस किस खुशी में? खुशी में दोबारा बात करेंगे ना। अच्छा दोबारा बात करनी है, जरूरी है, कंपल्सरी है, हाँ एक हाँ ना, बार बात हुई तो दोबारा भी करो। हाँ तो मैंने बात करने के लिए नंबर लिया है ना। कोई बात नहीं, मैंने आज मतलब गंदा फ्लर्ट किया है, मैं कल अच्छा फ्लर्ट करूंगी, सीख लूंगी किसी से कि कैसे फ्लर्ट करते हैं। वही फ्लर्ट करने का मतलब क्या है? फ्लर्ट करने का मतलब ये है कि फ्रेंडशिप करनी है, इसलिए नहीं, फ्लर्ट फ्रेंडशिप किया तो है। नॉर्मल ही होती है, फ्रेंडशिप में फ्लर्ट नहीं होता है। चलो ठीक है, पहले फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर मैं फ्लर्ट कैसे करते हैं वो मैं सीख लूंगी। नहीं तो आपका मकसद क्या है? देखो मैं पहले बता दूं, अपने मेरे को सारे इंटरेस्टेड नहीं है, मकसद नहीं, मैं सारे मकसद अभी बता दूं तो मुझे समझ में नहीं आ चीजें, रहा कि आपको हो क्या गया। शादी में एक से एक अच्छे लड़के थे, उनके साथ फ्लर्ट करो ना, वो भाई बड़े बैठे हैं भाई, कि मतलब तुम अच्छे लड़की नहीं का हो, नंबर मिल जाए। मतलब नहीं सच मैं में क्या ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने नहीं, मैंने गलती कर दी क्या नंबर लेके? शायद शायद, चलो कोई चलो बात नहीं, शायद मैं भी एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं, ठीक ज्यादा है, तो मैं इससे ज्यादा और नहीं झेल पाऊंगा आपको, मैं फोन रखता हूँ। हाँ झेल पाऊंगा क्या पता, लाइफ टाइम झेलना पड़ता देखते हैं, फिलहाल तो बाय। देख लो देख लो। फिलहाल तो बाय, ठीक अच्छा है नंबर तो सेव कर लो, सोचूंगा सोचूंगा। हाँ नहीं सेव कर तो करना लो, पड़ेगा यार, सेव तो करना पड़ेगा, सेव नहीं सेव कर करने में लेना बाद वरना ही तो मैं पता चलेगा कि आपको कॉल है, उठाना नहीं है। ठीक नहीं। उठाना क्यों नहीं है, मैं करूंगी कॉल, आप उठा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कर लेना कॉल, मैं तो उठा लूंगी। देखते हैं, चलो फिलहाल तो बाय, ठीक है। पक्का बाय, पक्का, पक्का बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर।